हे एवरीवन, होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम हीट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स करेंगे। एंड यस, बहुत बहुत थैंक यू। इससे पहले कि मेरी वीडियोस काइनेमेटिक्स और मेजरमेंट्स में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। लेट्स बिगिन विद दिस न्यू वीडियो। पहला है ट्रू और फॉल्स। हीट एनर्जी इज इनविजिबल। यस, दिस इज ट्रू। फॉर अ सब्सटेंस टू अंडरगो चेंज ऑफ हीट मस्ट बी आदर गिवन टू इट और टेकन फ्रॉम इट। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 कैलोरी। नो, दिस इज फॉल्ट। इसको 1 कैलोरी नहीं कहते हैं, इसको किलो कैलोरी कहते हैं। ठीक है। द हीट एब्जॉर्ब बाय सब्सटेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये भी फॉल्स है। इट डजेंट डिक्रीज, इट इंक्रीज। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर। नो, दिस इज फॉल्स। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये होता है मैक्सिमम 43। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो हम इससे टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर सकते हैं। नंबर 6, हीट लॉस बाय रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन वेदर द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी इज ब्लैक और पॉलिश्ड। या ये सही है, दिस इज ट्रू। नंबर 7, ऑन हीटिंग आयरन एक्सपैंड मोर देन कॉपर। नो, बल्कि कॉपर एक्सपैंड मोर देन आयरन। ठीक है। नंबर 8, टू ट्रांसमिट हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्शन द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। यस, दे शुड बी ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। नंबर 9, ब्लैक सब्सटेंस एब्जॉर्ब एंड लूज हीट रेडिएशन फास्टर। या दिस इज ऑल्सो ट्रू। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। नो, वी रिक्वायर अ मीडियम। मीडियम चाहिए होता है हमें। नो मीडियम नहीं हो सकता, तो दिस इज फॉल्स। चलिए, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फिल इन द ब्लैंक्स। वॉटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज बैड, सबको पता है ये तो। If temperature of a substance increases, the average kinetic energy molecule of the substance also increases. ठीक है? Number 13, fastest mode of transmission of heat is radiation. ये सबसे ज्यादा fast travel करती है radiations. Number 14, calorific value of dash fuels is high, gaseous. Gaseous levels का बहुत high होता है. Number 15, The substances which do not allow heat to travel through them easily are said to be bad conductor of heat. ये तो आसान है, मेरे ख्याल से हम सब में से सभी को आ गया होगा। Number 16, the change in temperature of a body is 57 degree centigrade. The equivalent change in temperature Kelvin scale is, Kelvin scale में ये 57 centigrade 57 K हो जाएगा। ठीक है। Number 17, during sublimation, the solid substance which is converting to gaseous state is called It is called sublimate. Achha, number 18 ye aa gaya. Number 18, heat capacity of 250 gram of water is, it is 250 calorie per centigrade. ठीक है? Number 19, 100 gram of ice at 0 degrees centigrade is mixed with 0.25 kg of water at 0 degrees centigrade. The net transfer of heat is, it will be zero. Condensation point of a substance numerically equal to boiling point. ठीक है। होप आप सबको समझ में आ गया। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो मैं आपसे बोलूंगी कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करते जाइए और आप फटाफट करें, मेरे लिए आप वेट मत करिएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनके साथ हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। दिस इज मैच द फॉलोइंग। पहले हम नंबर 1 वाला करेंगे एंड दिस इज नंबर 2। नंबर 1, 50 ग्राम ऑफ फ्यूल प्रोड्यूसेस 25 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इन कैल पर ग्राम इज, तो इट कैन बी रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाय एम। ठीक है, तो आपको दिया हुआ 25 किलो कैलोरी, दैट कैन बी रिटर्न 25,000 बाय 50, आई थिंक विच विल कम टू 500, तो आंसर विल कम टू सी, सी होगा इसका। ठीक है। बी, 400 कैलोरीज ऑफ हीट इज सप्लाई टू 50 ग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 8 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी इन कैलोरी पर सेंटीग्रेड। एंड बी का क्या होगा, तो इसका हमें पता है, इसका फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर एंड दैट इज 400 बाई 8, 50।
कम टू 50, तो बी का हो जाएगा एफ. ठीक है, नाउ सी इज बॉइलिंग. बॉइलिंग का होगा, बॉइलिंग इज ए कुक प्रोसेस, इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस, इट विल बी डी. ठीक है, और डी का क्या होगा, हीट एनर्जी सप्लाई टू 150 ग्राम ऑफ कॉपर टू रेज इस टेम्परेचर बाय 12 डिग्री सेंटीग्रेड कैलोरी इज, तो आई थिंक इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, क्यू इज इक्वल टू, वी नो एम इंटू एस इंटू डेल्टा डी, दिस इज द फॉर्मूला विच इज इक्वल टू 150 इंटू 0.9 इंटू 12 विच विल कम टू 1620. या तो इट विल कम, डी का होगा हमारा ई. ठीक है, नाउ ई इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, एंड एफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैल्विन 273 डिग्री है, इट्स अंडरस्टूड. ये इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है, इसका फॉर्मूला होता है ये आपको 100 प्लस 273 इज इक्वल टू 373. ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टू नंबर टू. हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट कैन बी यूज एज ए कूलेंट, बिकॉज हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, वाटर इज यूज एज ए कूलेंट हियर, ए का एफ. नाउ बी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर कैन बी मेजर थ्रू क्लिनिकल थर्मोमीटर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, इट इज 357 सेंटीग्रेड. थर्मल स्विचेस आर बायोमेटलिक स्ट्रिप्स. मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, सिक्स मैक्सिमम सिक्स मिनिमम टेम्परेचर सिक्स टाइम्स. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज 273 केल्विन. तो जैसे कि आपको फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है, विच कैन बी रिटन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 273 के अगर इसको करेंगे. मेरे ख्याल से ये सब बहुत आसान थे जो आपको अब तक समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा तो आप एक बार फिर से स्टॉप करके समझ सकते हैं, बिकॉज मैच द फॉलोइंग इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू डू इट. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. दीज आर वेरी शॉर्ट आंसर्स. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई व्हाइट क्लोथ्स आर कंफर्टेबल इन समर. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज व्हाइट कलर आर गुड रिफ्लेक्टर्स. ठीक है, गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए वो एब्जॉर्ब हीट कम करते हैं, इसलिए वी वियर इट ऑन समर्स. ठीक है, डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो मेल्टिंग पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ आपको वर्बली बोल रही हूँ, आप प्लीज अगर सुन रहे हो तो आप लिख सकते हैं या आप मेरे साथ टैली कर लीजिएगा. मेल्टिंग पॉइंट मतलब होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस टू इट्स लिक्विड, दैट इज नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट. और बॉइलिंग पॉइंट होता है द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉयल, दिस इज अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विद लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, दैट इज नोन एज अ बॉइलिंग टेम्परेचर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसको फिर से मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज मेरे साथ इसको लिसन कर लीजिएगा, अगर आपको जॉट डाउन करना तो आप वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस by 1 degree centigrade is known as specific heat capacity of a substance, or which we know that which can be written as S equal to Q upon M into change in temperature. ठीक है, now give three examples of good and bad conductors of heat. Good conductors का होता है you know aluminium, copper and silver. Aluminium, copper और silver. और बैड कंडक्टर का आप लिख सकते हैं जैसे कि ये तो बहुत ही वुड, प्लास्टिक, ग्लास, कॉटन. वुड होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, कॉटन भी होता है. नाउ व्हाई डू वी कवर बॉडीज विद ब्लैंकेट्स एट नाइट इन विंटर. सी इट डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो आउटवर्ड ऑफ आवर बॉडी. ब्लैंकेट क्या होते हैं जो हमारी हीट को बाहर फ्लो होने नहीं देते हैं, बिकॉज इट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर इनसाइड. ठीक है, जब उनके अंदर ट्रैप्ड एयर इनसाइड है तो स्टार्ट बिहेविंग एज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसलिए हमें विंटर्स में गर्मी लगती है, इसलिए हम ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं. ठीक है, व्हाट इज अ थर्मोमीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए फर्नेस. इट इज पायरोमीटर.
What is the principle of thermometer? The principle of thermometer is the property of expansion or contraction of a substance on heating or cooling. ठीक है, ये मैंने आपके लिए वर्बली बोला, मैं फिर से बोल रही हूँ. द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग और कूलिंग. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर. वाई बॉइलिंग वाटर इज नॉट यूज टू स्टरलाइज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? सी, इट विल ब्रेक. क्लिनिकल थर्मोमीटर विल ब्रेक बिकॉज इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है 43 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए इट इज नॉट यूज. ठीक है. Now, the two iron spheres of equal mass having temperature 20 degree centigrade and 40 degree centigrade are brought into contact with each other. What is the equilibrium temperature? Assume there is no heat loss due to surroundings. So, aap temperature, isko main yahan sab temperature of first sphere can be written as T1, which is equal to 20, और टेम्परेचर ऑफ T2 कैन बी रिटन एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी T1 बाय T2 बाय 2. तो यू कैन राइट इट एज 20 प्लस 48 बाय 2 विच विल कम टू अराउंड 34 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका आंसर होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है फ्रेंड्स, अगर जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को पॉज करके बैक करके आप एक बार सुन लीजिएगा. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली हमेशा ही आता है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ठीक है, इसको मैं आपको लिख के देती, तो मैंने ये एक जगह लिख के आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी इमेज डाल रखी है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, रीड कर लीजिए. दीज आर द एप्लीकेशन वेयर दे कैन बी यूज इन कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल. ठीक है, मर्क्यूरी में यूज होता है, मर्क्यूरी इज अ थर्मोमीटर लिक्विड. ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में यूज होता है और हीट इज पास ऑन टू सोल्डर थ्रू द टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन विच इज मेड ऑफ कॉपर. तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको बताना चाहती हूँ, किडोपीडिया चैनल में हम एक कॉन्टेस्ट रन कर रहे हैं जहाँ पर आप सिंपली पार्टिसिपेट करेंगे. कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप स्लोगन लिख सकते हैं या कोई क्वेश्चन यस और नो का होगा, आप उसको पार्टिसिपेट करिए, अपने ब्रेन सेल्स का यूज करके कुछ क्रिएटिविटी आंसर स्लोगन लिखे, एंड यू कैन विन अ पेटीएम कैश. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो दिस वे आप पढ़ाई के साथ साथ आप यू कैन अर्न ऑल्सो, आपका कुछ जाता नहीं है उसमें. तो एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि बच्चों के साथ और जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा हमारे चैनल के थ्रू. तो प्लीज़ इसको, उस वीडियो को एक बार आप तक जाके ज़रूर देखिएगा. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. फाइंड द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री. और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन दिस मच. ठीक है, मास ऑफ वाटर इज 5 kg, तो विच क्या मास ऑफ वाटर इज 5 kg, विच कैन बी रिटन एज 5000. और चेंज इन टेम्परेचर कैन बी 100 - 80, तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी लाइक 100 - 80, विच विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी ऑलरेडी डेल्टा विच इज एस इज ऑलरेडी गिवन एज 1 kg/cm². ठीक है, ना हीट एनर्जी तो हमें ऑलरेडी पता है, फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू ms into delta T, राइट, विच इज इक्वल टू मास इज 5000, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज 1 एंड डेल्टा T इज 20. ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 10 × 10⁴ calories, और यू कैन राइट इट इज एज 100 kcal. ठीक है, ग्रेट. व्हाई इज मर्क्यूरी यूज इन थर्मोमीटर्स? उसके तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. पहला ये होता है कि इट्स एक्सपेंशन इज यूनिफॉर्म ओवर द वाइड रेंज ऑफ टाइम. इट्स एक्सपेंशन इज एक्सपेंशन जो होता है इज यूनिफॉर्म. ठीक है, ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये ऐसा नहीं कभी बढ़े कभी, ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होता है. दूसरा होता है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, नंबर 3 होता है
इट हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट हैज गॉट लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नंबर फोर, एक और भी आप लिख सकते हैं, इट इज ओपेक शाइनिंग इन, इट इज ओपेक होता है, शाइनिंग होता है मर्कुरी और क्लियरली विजिबल होता है, तो इसलिए आप आराम से उसमें टेम्परेचर की रीडिंग्स ले सकते हैं। नंबर फाइव होता है, इट डज नॉट वेट द ग्लास, ठीक है। नंबर सिक्स होता है, इट इज इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है प्योर फॉर्म में, इन प्योरेस्ट फॉर्म, उसमें ऐसा क्यों नहीं है कि मिलावटी हो, तो इसलिए आप मर्कुरी को हम ज्यादा थर्मोमीटर्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉमन। डिफाइन कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख सकती है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिए, दीज आर प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हीट। कंडक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में क्या होता है, रेडिएशन में, मुझे लगता है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी क्योंकि हीट पढ़ा हुआ है तो आपको सिर्फ टैली करने हैं आपके आंसर्स, राइट। और अगर आपको उसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप वीडियो को होल्ड करके जॉट डाउन कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द हीट लॉस्ट और गेन बाय ए बॉडी। तो एक तो फैक्टर, नंबर फैक्टर एक ये होता है कि हीट लॉस्ट और गेन बाय बॉडी इज, हीट लॉस्ट और वेट गेन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो हीट लॉस्ट और गेन्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। इसका मतलब ये है, यू कैन बी राइट मास ऑफ द बॉडी। और दूसरा ये होता है, हीट लॉस में ये डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है चेंज इन टेम्परेचर से भी। यू कैन से चेंज इन टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू यू कैन से दैट, ये जो आपका वन एंड टू है आप उसे कह सकते हैं, क्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन टेम्परेचर, और इधर आप एस भी लिख सकते हैं, एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हियर एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, विच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। दिस यू कैन ड्राइव इट, दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द हीट लॉस और गेन ऑफ ए बॉडी, राइट। होप फ्रेंड्स आपको ये सारे इजी क्वेश्चंस लगे होंगे या डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन थे हीट के। आपको अगर अच्छा लगे हो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड ऑलवेज बिलीव स्टडिंग स्मार्ट, डोंट जस्ट मग अप, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, और आगे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप IIT JEE इन सब कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करें आपके लिए ईजी रहेगा। अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम है आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप क्लास में देखिए अपने टीचर या ट्यूशन टीचर से आप या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड इट वॉज रियली प्लेजर आप लोग के साथ वीडियो बनाने का, और आपके जो व्यूज आते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इट रियली मेक्स अस हैप्पी, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।